नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 अप्रैल, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में 1,539 फार्मासिस्ट के पदों पर निकली बहाली। आज बिहार बीएड सीईटी 2023 परीक्षा। सीएम बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत 2 दिनों में शुरू होगी राशि देने की कवायद। कोरोना को लेकर केंद्र की राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हुई बैठक। आज मुंबई में खेला जाएगा सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस का महामुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 1,539 फार्मासिस्ट के पदों पर निकली बहाली। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि BTSC के द्वारा फार्मासिस्ट के कुल 1,539 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवारों के पास 12वीं में विज्ञान के साथ साथ फार्मेसी डिप्लोमा, बी फार्मा और एम फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही बिहार फार्मेसी परिषद में पंजीकृत भी होने चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के लिए BTSC की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 मई 2023 तक निर्धारित की गयी है। आज होगी बिहार में बीएड सीईटी की परीक्षा। आज यानी कि 8 अप्रैल को बिहार बीएड सीईटी 2023 की परीक्षा है, जो कि सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक चलेगी। बता दें कि इस परीक्षा से 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में एडमिशन लिया जा सकता है। मालूम हो कि इस परीक्षा के लिए कुल 1,84,233 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किए गए हैं। बता दें कि इस परीक्षा में भाग लेने के लिए परीक्षार्थियों को सुबह 10:30 बजे तक पहुंचना होगा, क्योंकि 10:30 बजे के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मालूम हो कि परीक्षार्थियों को अपने एडमिट कार्ड की 2 प्रतियां डाउनलोड करनी होगी। परीक्षार्थी अपनी पहचान के लिए फोटो सहित पहचान पत्र साथ लेकर जाएंगे। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी केवल नीले या काले बॉल पेन से सही गोले को भरेंगे। वहीं परीक्षा केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना मना है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे प्रभाकर सरन के बारे में। प्रभाकर सरन पहले भारतीय लैटिन अमेरिकी हीरो हैं, जो बॉलीवुड और लैटिन अमेरिकी फिल्मों में काम करते हैं। बता दें कि इन्होंने लाइव शो भी किए हैं और पहली बार 2017-18 एनरे डाडोस ला कन्फ्यूजन में सबसे पहले भारतीय लैटिन अमेरिकन मूवी किया, जो काफी सफल भी हुआ था। उनकी यह फिल्म साल 2018 में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनकर उभरी थी। उसके बाद ही प्रभाकर स्पेनिश फीचर फिल्म में मुख्य और प्रत्यक्ष अभिनय करने वाले पहले भारतीय बन गए। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों और सरकारी संगठनों के साथ कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। बिहार में अब जाति के साथ नौकरी व रोजगार का भी कोड। 15 अप्रैल से जातिगत जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में सरकार की ओर से एक तरफ जहां जाति और शिक्षा के लिए कोड निर्धारित किया गया है, तो वहीं अब सरकार की ओर से राज्य में लोगों के कार्यों को लेकर 15 तरह का कोड निर्धारित किया गया है। बता दें कि सरकार के द्वारा नौकरी और रोजगार के लिए निर्धारित किए गए कोड के अनुसार सरकारी नौकरी के लिए कोड संख्या 1, संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी के लिए 2, असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी के लिए 3, स्वरोजगार के लिए 4, कृषक काश्तकार के लिए 5, खेतिहर मजदूर के लिए 6, निर्माण मजदूर के लिए 7, अन्य मजदूर के लिए 8, मिस्त्री के लिए 9, भिखारी के लिए 10, कचरा बिनना के लिए 11, अन्य के लिए 12, विद्यार्थियों के लिए 13, गृहिणी के लिए 14 और कुछ नहीं के लिए 15 निर्धारित किए गए हैं। सीएम बालिका स्नातक प्रोत्साहन के तहत 2 दिनों में शुरू होगी राशि देने की कवायद। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली राशि को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा पोर्टल पर 1.95 लाख से अधिक बालिकाओं के परीक्षा परिणाम अपलोड कर दिए गए हैं। इनमें से करीब 1.60 लाख बालिकाओं के द्वारा विभागीय पोर्टल पर प्रोत्साहन राशि के लिए पंजीयन करा लिए गए हैं। वहीं रिजल्ट के अनुसार पंजीयन कराने के लिए फिलहाल करीब 36,000 बालिकाएं शेष रह गई हैं। ऐसे में इन्हें रजिस्ट्रेशन कराने को समय मिल सके, इसके लिए 30 अप्रैल तक का समय और दिया गया है। यानी कि अब छात्र 30 अप्रैल तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोरोना को लेकर केंद्र की राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हुई बैठक।
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीते दिन यानी कि शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के बीच समीक्षा बैठक की गई। बता दें कि इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा प्रदेशों को नियमित रूप से दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके साथ ही अगर बिहार राज्य की बात करें तो राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी कोरोना को लेकर लोगों से अपील की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना तो आता जाता रहेगा, लेकिन हम लोग वर्ष 2020 से लगातार जांच करा रहे हैं, लेकिन अब राज्य में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, अब राज्य के लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है, इसलिए अब लोगों को कोरोना के गाइडलाइन का पालन करना होगा। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे सुजाता स्तूप के बारे में। बौद्ध कालीन सुजाता को हम उस स्त्री के रूप में जानते हैं जिसने कठोर तप के कारण मरणासन्न बुद्ध को खीर खिलाकर उन्हें नया जीवन और जीवन के प्रति संतुलित दृष्टि दी थी। पौराणिक कथा के अनुसार सुजाता ने बुद्ध को खीर का एक कटोरा अर्पित किया। जब उन्होंने बुद्ध को ध्यान से मुक्त होते हुए देखा तो बुद्ध ने आत्मवंचना की निरर्थकता का एहसास किया और महिला के खीर खाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यह माना जाता है कि भोजन ने न केवल बुद्ध को ताकत दी बल्कि उन्हें मध्य मार्ग का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त भी बौद्ध ग्रंथों में सुजाता के जीवन और अंत के बारे में बहुत कुछ है। सुजाता स्तूप गया जिले के बकरौट जिले में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इसके अलावा स्तूप के सामने एक अशोक स्तंभ 1956 में वहां ले जाया गया था। सुजाता स्तूप एक ऐसा क्षेत्र होने के बावजूद गया जिले में सबसे लोकप्रिय बौद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, जो तुलनात्मक रूप से कई लोगों के लिए अज्ञात है। बीपीएससी की आगामी सभी परीक्षाओं की कॉपियों का होगा ऑन स्क्रीन मूल्यांकन। बीपीएससी परीक्षा की कॉपियों को चेक करने में लगने वाले समय को मेंटेन किया जा सके और समय पर रिजल्ट निकाला जा सके, इसके लिए आने वाले समय में बीपीएससी की सभी परीक्षाओं की कॉपियों का ऑन स्क्रीन मूल्यांकन किया जाएगा। बता दें कि फिलहाल बीपीएससी 67वीं की परीक्षा की कॉपियों का ऑन स्क्रीन मूल्यांकन ही कराया जा रहा है, जिसके लिए आयोग की ओर से 30 कंप्यूटर लगाए गए हैं। हालांकि फिलहाल ऑन स्क्रीन मूल्यांकन करने में परीक्षकों को ऑफ स्क्रीन की तुलना में अधिक समय लग रहा है, क्योंकि वह अभी ऑन स्क्रीन मूल्यांकन से सहज नहीं है और साथ ही अधिक परीक्षक बुजुर्ग है। इसके अलावा दूसरी वजह यह भी है कि परीक्षा की कॉपी पर प्रश्नावार उत्तर लिखने का स्थान निर्धारित नहीं होना है, लेकिन आने वाले समय में इस परेशानी को भी दूर कर दिया जाएगा ताकि मूल्यांकन में समय न लगे। बटने लगा राजद के दावत ए इफ्तार का आमंत्रण कार्ड। आगामी 9 अप्रैल को हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर दावत ए इफ्तार का आयोजन किया जाने वाला है। ऐसे में आयोजित होने वाले दावत ए इफ्तार का आमंत्रण पत्र बांटने की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि आमंत्रण कार्ड हरे रंग में छपा गया है। वहीं इस कार्ड में दावत ए इफ्तार किस स्थान पर आयोजित होने वाला है और कितने बजे से आयोजित होने वाला है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। बता दें कि दी गई जानकारी के अनुसार यह दावत पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर शाम 6-9 बजे से आयोजित किया जाएगा। वह इस कार्ड में निवेदक के रूप में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, बिहार विधान परिषद व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वन एवं पर्यावरण विभाग मंत्री तेज प्रताप यादव के नाम को रखा गया है। बिहार के 4 विश्वविद्यालयों में पुरुषों से आगे महिला सुधार थी। AISHE वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध के क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से जबरदस्त प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। वहीं कानून में PhD करने में महिला सुधार्थी पुरुषों से आगे निकल गई हैं। इसके अलावा कृषि और मैनेजमेंट कोर्स से जुड़े शोध क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करती दिख रही है। बता दें कि जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार PhD करने में जिन शिक्षण संस्थानों में लड़कियां लड़कों से आगे है, उनमें आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, बिहार एग्रीकल्चर VV, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और पूर्णिया विश्वविद्यालय शामिल है। वहीं जिन विश्वविद्यालयों में जबरदस्त स्पर्धा देखी जा रही है, उनमें भूपेंद्र नारायण मंडल VV पटना विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि VV, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भागलपुर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोधगया शामिल है। गर्मी बढ़ने के साथ चमकी बुखार ने दी दस्तक। बिहार में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे ही अब बिहार में चमकी बुखार का भी आगमन हो गया है। बता दें कि बीते दिन यानी कि शुक्रवार को मुजफ्फरपुर जिले के श्री कृष्ण सिंह मेडिकल कॉलेज के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की माने तो अब तक 7 बच्चे SKMCH में भर्ती हुए हैं, जिनमें से आधा दर्जन बच्चे मुजफ्फरपुर तो वहीं एक बच्चा मोतिहारी का रहने वाला है। हालांकि बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष चमकी बुखार के आंकड़े कम देखे जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह दिन प्रतिदिन मौसम में गर्मी बढ़ती जा रही है उससे
आने वाले समय में इस बीमारी के फैलने की बढ़ने की और आशंका है। अगर आपके परिवार में भी बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम और बुखार की शिकायत होती है तो ऐसे हालत में बिना किसी देरी अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और डॉक्टरों से उचित परामर्श लेकर इलाज करवाएं। मैट्रिक कंपार्टमेंटल के लिए अब इस दिन तक करें आवेदन। अगर आपने भी मैट्रिक 2023 की परीक्षा दी है लेकिन किसी वजह से आपको भी दोबारा से मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा देने की जरूरत पड़ रही है लेकिन अब तक आपने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अब आप मैट्रिक कंपार्टमेंटल की परीक्षा में भाग लेने के लिए 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो कि मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन करने की तारीख को बोर्ड की ओर से 7 अप्रैल से बढ़ाकर 10 अप्रैल तक कर दिया गया है, यानी कि अब स्टूडेंट्स के पास आवेदन करने के लिए 10 अप्रैल तक का समय है। बता दें कि आवेदन करने के लिए सामान्य कोटि के छात्रों को ₹950 तो वही एससी एसटी व ईबीसी कोटि के छात्रों को ₹835 शुल्क के रूप में देने होंगे। इसके अलावा केवल रिजल्ट का डिटरमिनेंट करने और सिर्फ अंग्रेजी विषय की परीक्षा देने के लिए ₹200 देने होंगे। बिहार में सताए की गर्मी। अप्रैल का महीना शुरू हुए अभी एक हफ्ता ही हुआ है, इसे एक हफ्ते में ही गर्मी ने सताना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे अब गर्मी रफ्तार पकड़ रही है। वैशाख शुरू हो गया है और गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। वहीं आगामी दिनों में 3 से 5 डिग्री तक तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। राजधानी पटना समेत कई जिलों के अधिकतम तापमान में तेजी से वृद्धि होगी। वहीं 11 अप्रैल तक पूर्वानुमान जारी किया गया है कि उत्तर बिहार के कई जिलों में बादल छा सकते हैं। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होगी। मौसम वैज्ञानिक का मानना है कि शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए तैयार गेहूं और मक्के की फसल की कटनी और दोनी करने, गेहूं एवं मक्का के दोनों को अच्छी तरह से धूप में सूखने के बाद भंडारण कर लें। बिहार में कावा फेम नेहा सिंह राठौर के कुमार विश्वास भी हुए मुरीद। एक बार फिर से लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अपनी बिहार में कावा सीजन 2 गाने को लेकर चर्चा में आ गई है। बता दें इस गाने के सहारे नेहा सिंह राठौर के द्वारा बिहार में रामनवमी के दौरान हुए हिंसा पर जिक्र कर सरकार पर निशाना साधा गया है। इसके अलावा इस गाने में नेहा सिंह राठौर ने जंगल राज 10 लाख नौकरी दिलाने की बात पर भी सरकार पर तंज कसा है। वहीं अब उनके इस गाने पर हिंदी के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास के द्वारा भी उनकी तारीफ की गई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि राजा अंधा हो जाए तो सेवा, धंधा हो जाए तो सच दिखलाने वाला खंभा, छवि प्रबंधा हो जाए तो सरकार किसी की और कितनी भी शक्तिशाली हो, सत्ता व सत्ताधारियों से कैसे भी संबंध हो, सदा जनता की बात पूरी बेबाकी व हिम्मत से उठाना ही असरकारी कवियों व लोक गायकों का कर्तव्य है। जीती रहो नेहा। पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन के मतों की गिनती आज। बीते दिन यानी कि शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन की वोटिंग प्रक्रिया शाम 5 बजे तक पूरी की गई, तो वहीं आज यानी कि 8 अप्रैल को मतों की गिनती की जाएगी। बता दें कि चुनाव 30 पदों पर किया गया है जिसमें कुल 144 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन जिन पदों के लिए चुनाव करवाया गया है उनमें उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव और सहायक सचिव के पद शामिल है। मालूम हो कि इस चुनाव को लेकर मिली जानकारी के अनुसार उपाध्यक्ष के पद के लिए सबसे ज्यादा 28 उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रहे। वहीं अध्यक्ष पद के लिए 15, महासचिव के लिए 13, संयुक्त सचिव के 3 पद के लिए 25, सहायक सचिव के 3 पद के लिए 16 उम्मीदवार हैं। सीएम नीतीश की दंगाइयों को चेतावनी। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा रामनवमी के दौरान बिहार के सासाराम और नालंदा में 2 समुदायों के बीच हुए हिंसा को लेकर दंगाइयों को चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच गहराई से की जा रही है, जो भी लोग इस हिंसा में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले को अधिकारियों को द्वारा देखा जा रहा है, बहुत जल्द ही सब कुछ सामने आ जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सासाराम में हिंसा के 8वें दिन भी इंटरनेट की सेवा को बंद रखा गया है। वहीं सुरक्षा को लेकर भी शहर में बड़े स्तर पर पुलिस की तैनाती बरकरार है। मालूम हो कि बिहार शरीफ में शांति के लिए जिला प्रशासन एवं नालंदा पुलिस के द्वारा बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत सद्भावना मार्च भी निकाला गया था। 24-25 को लेकर लोजपा रामविलास ने बनाई ये रणनीति। बीते दिन शुक्रवार को बिहार की राजधानी पटना में आयोजित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो गई है। बता दें कि इस बैठक में आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। वहीं बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उनकी पार्टी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने किसी गठबंधन के साथ जाने पर कहा कि हमें प्रत्येक
परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे कभी भी सीटों की मांग नहीं करते और गठबंधन धर्म तोड़ने की कोशिश नहीं करता। चिराग पासवान ने कहा कि सीएम नीतीश के साथ कभी समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। जब हमारी पार्टी कमजोर थी उस समय उन्होंने हमारे साथ समझौता नहीं किया, तब उनके साथ समझौता नहीं हो सकता। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सीएम नीतीश, सीएम स्टालिन और ठाकरे को किया फोन। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। ऐसे में सीएम नीतीश के द्वारा पिछले काफी समय से यह कोशिश की जा रही है कि देश की सभी विपक्षी पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एक कर दिया जाए। इसी कड़ी में देश के सभी विपक्षी पार्टियों को एक किया जा सके, इसके लिए बीते दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे को फोन कर विपक्षी एकता को मजबूत करने पर बातचीत की गई। बता दें कि इससे पहले बीते सोमवार को एमके स्टालिन के नेतृत्व में दिल्ली में के सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें विपक्षी एकता को प्रदर्शित किया गया था। मुखिया के चुनाव पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज। राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने जनसुराज पदयात्रा के दौरान बिहार के सारण जिला पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के लोग 500 रुपए लेकर मुखिया के चुनाव के लिए वोट करते हैं और वही लोग सबसे ज्यादा हल्ला भी करते हैं कि मुखिया चोर है। उन्होंने कहा कि जब आप लोग पैसे लेकर वोट कीजिएगा तो मुखिया चोरी नहीं तो और क्या करेगा। इसलिए मैं आपको यही समझा रहा हूं कि जब तक आप खुद के अंदर बदलाव नहीं लाइएगा तब तक समस्याओं को खत्म नहीं किया जा सकता। जब आप सभी शिक्षा रोजगार के नाम पर वोट करते ही नहीं, तब नेता को आपको गाली देकर क्या मिलेगा। आज मुंबई में खेला जाएगा सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस का महामुकाबला। आज आईपीएल के 16वें सीजन में 12वां मुकाबला खेला जाएगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के सामने होंगे 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस। मुंबई का यह दूसरा मुकाबला है। पहले मुकाबले में उन्हें आरसीबी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स अपना तीसरा मुकाबला खेलेगी। खेले गए 2 मुकाबलों में उन्हें 1 में हार और 1 में जीत मिली है। हेड टू हेड देखा जाए तो मुंबई का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अभी तक दोनों टीमें 34 बार आमने सामने आ चुकी है, जिसमें 20 बार मुंबई ने जीत दर्ज की है और 14 मुकाबलों में चेन्नई को जीत मिली है। पिछले सीजन में हुए मुकाबले में 1 बार चेन्नई ने तो 1 बार मुंबई ने जीत दर्ज की थी। मुंबई बनाम चेन्नई यह हाई वोल्टेज मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जिसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि फोन पर आप जियो सिनेमा ऐप पर मैच का लुत्फ उठा पाएंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय 1831 में इंग्लैंड पहुंचे। क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में आज ही के दिन दिल्ली असेंबली बम फेंका। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद 1950 में आज ही के दिन दोनों देशों ने अपने अपने देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करने और भविष्य में दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावनाओं को खत्म करने के मकसद से समझौता किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1985 में सीमा युद्ध शुरू, इससे कश्मीर के दूसरे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों ने 2008 में सिखों को अपने राज्य में अल्पसंख्यक घोषित किया। तेलुगु चलचित्र अभिनेता अल्लू अर्जुन का 1983 में जन्म हुआ। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का 1894 को निधन हुआ। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 विद्रोह के सिपाही मंगल पांडे को 1857 को फांसी दी गई। वायुभर में आज हम बात करेंगे फ्री सिलाई मशीन योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फ्री सिलाई मशीन योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि देश की महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना 2023 के तहत महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन उपलब्ध करवाया जा रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही, यह ठगी का एक प्रयास है, कृपया सावधान रहें। गूगल प्ले स्टोर पॉलिसी में हुआ बड़ा बदलाव। गूगल ने अपनी प्ले स्टोर पॉलिसी में एक बड़े बदलाव के बारे में बताया है। कंपनी ने नई डेटा डिटेक्शन पॉलिसी पेश की है, जो यूजर्स को अपने इन ऐप डेटा पर अधिक क्लैरिटी और कंट्रोल करने की अनुमति देगी। नई पॉलिसी एक तरह से डेवलपर्स के लिए भी पॉजिटिव तरीके से काम करेगी। इस नई पॉलिसी के साथ गूगल प्ले स्टोर ऐप्स को अधिक सुरक्षित बनाने और यूजर्स को यह समझने में सहायता करने के लिए काम कर रहा है कि ऐप्स उनके डेटा का इस्तेमाल कैसे कर रही है। इससे यूजर्स एक्सपीरियंस में सुधार होगा, फिर यूजर अपने डेटा पर कंट्रोल कर सकेंगे। आखिर में कुल मिलाकर यूजर्स को गूगल प्ले और उसके ऐप्स में विश्वास बढ़ जाएगा। यूजर्स गूगल प्ले पर खुद को ज्यादा सिक्योर महसूस करने लगेंगे। बता दें कि यूजर्स को 2024 में शुरुआत में अपने एप्लीकेशन में बदलाव
दिखाई देने लगेंगे। सिद्धू मूसेवाला का नया सॉन्ग रिलीज, 15 मिनट में 1 मिलियन व्यूज। दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला का एक नया गाना रिलीज हुआ है जिसे लोगों के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला का जो नया गाना रिलीज हुआ है उसका नाम मेरा ना है। वह इस गाने के ऑडियो और वीडियो काफी जबरदस्त है जिसका अंदाजा आप सभी इस बात से लगा सकते हैं कि गाने के रिलीज होने के केवल 15 मिनट बाद ही इस गाने के 1 मिलियन व्यूज पूरे हो गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिद्धू मूसेवाला का नाम उनके शानदार संगीत की वजह से सर्वश्रेष्ठ पंजाबी रैपर्स और गायकों में गिना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिद्धू मूसेवाला का रिलीज हुआ गाना इस बारे में है कि कैसे सिद्धू का नाम हर दूसरे बिलबोर्ड पर मौजूद है या हर दूसरे अखबार की हेडलाइन में है और हर प्रशंसक की बांह पर है। पटना हाईकोर्ट में जातीय सर्वेक्षण के खिलाफ याचिका दायर। 18 अप्रैल 2023 को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा राज्य सरकार द्वारा राज्य में जातियों एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली अखिलेश कुमार के द्वारा की गई याचिका पर सुनवाई की जाएगी। बता दें कि इस मामले को लेकर कोर्ट को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार के द्वारा बताया गया है कि राज्य में राज्य सरकार के द्वारा जाति और आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जा रहा है जो उनके अधिकार में नहीं है, क्योंकि प्रावधानों के अनुसार इस तरह का सर्वेक्षण करवाना केंद्र सरकार के अधिकार में होती है। उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण को कराने के लिए सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस मामले पर राज्य सरकार के एडवोकेट के द्वारा कहा गया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। बता दें कोर्ट के द्वारा इस मामले को अमान्य करते हुए कहा कि ये प्रावधानों के उल्लंघन और 500 करोड़ रुपए से संबंधित है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सन्नी सहनी, एनबी रोशन यादव, अभिषेक राज, पुरुषोत्तम कुमार, खुशबू कुमारी, शंकर मुखिया, रामनवी मांझी, मोहम्मद सैफुल्ला, राम बाबू कुमार, राज पंडित, रविशंकर, राहुल कुमार, सुमित कुमार, सस्मिता, अंशु कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप कोरोना से बचाव के लिए कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।